और फैलेगी उससे मारा जाए, इसे पत्थर से मारा जाए। और अपनी फिक्र नजर को सतह पर हम करते हुए पाया। एक हल्के से हवा के झोंके की जरूरत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अहमर, आप सब लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल UP81 फिल्म्स पे। तो गाइस, फंक्शन का आज लास्ट डे है और बहुत इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि आज इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी जो कल या परसों में नहीं दिखाई गई। 3 दिन से फंक्शन चल रहा है, 18, 19, 20, तो आज 20 तारीख है लास्ट डे। तो हम सीधे चलेंगे वहीं पे ऑडिटोरियम, फिर आपको मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा। मतलब देखो यार, सारी चीज़ तो नहीं दिखा पाऊंगा एग्जैक्ट, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 25-30 मिनट की। मैं आपको कुछ कुछ शॉट दिखाऊंगा, कुछ कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, जैसे जैसे सीन होंगे उस हिसाब से चीज़ें दिखाऊंगा। आप लोग वीडियो पूरी देखना, बहुत इंजॉयमेंट होने वाला है वीडियो में, बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। चलो आप लोगों से मिलता हूँ फिर थोड़ा सा आगे, ठीक है। आप लोग इतने करो वीडियो को लाइक और चैनल करो सब्सक्राइब। तो गाइज, हम लोग निकल चुके हैं कैनेडी के लिए, मगरब हो गई है और उमर ये लोग भी आ रहे हैं, उमर तलहा, तो इनका वेट करना है 2 मिनट, हमें यहीं पे आगे। सत्संग दाने रहमा का नाम है, नाम अहमद जो सत्संग के खानदान के पीर शाह गुलाम अली रहमतुल्लाह अलैह ने रखा था। भाई मियां सैयद, जैसा कि आपकी किताबों से मालूम होता है कि अरबी, फारसी, मंतक, फलसफा, ये सब मजामी भी आपने खूब पढ़े जी। की तालीम आपने कहाँ हासिल जी? मजामी के अलावा इल्म-ए-नुज़ूम, रियाजी, सियासत, तारीख वगैरह की तालीम हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के दिल्ली कॉलेज में, लॉर्ड एलएसडी के। रंगियों को देखो, हिंदुस्तान को देखो, उन्होंने बिना चप्पू के लोहे और भाप के फौलाद से चलने वाले जहाज पानियों में दौड़ा दिए, और हमारे लकड़ी की बिचारी प्यारी सी कश्तियां आज भी हवा और पासवानों की नौका दी। क्या आपका कोई दोस्त अभी भी गिरफ्तार है? नहीं नहीं, कौम को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है, उसने तो जहालत की भेड़ियां खुद ही अपने पैरों में पहन रखी। इसे सलाफे के पीछे भी जमा करने की जरूरत नहीं, फर्शुदा रसूमात के जिंदा में उसने खुद को कैद कर रखा है। अपने इतिहाद के लिए जाने जाने वाली ये कौम छोटे छोटे फिरकों में तकसीम होकर रह गई है। एक मसलक वाले दूसरी मसलक वालों के लिए कुफ्र के फतवे अपने जेबों में लिए फिरते हैं। उसने कहा, इस कनाल का नाम मेरे नाम पर नहीं बल्कि मेरे मुल्क के नाम पर कैनल ऑफ फ्रांस होना चाहिए। काश मेरे वतन में भी ऐसे लोग होते भाई मेरी, जो कौमी खिदमत को जाती नाम नमूस से लदा रखते। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब भी मैंने कोई उमदा चीज देखी, जब भी महजब आदमी को देखा, जहां कहीं उमदा मकानात देखे, जब कभी खेल कूद ऐशो आराम के जलसे देखे, यहां तक कि जब कभी किसी खूबसूरत शख्स को देखा, मुझको हमेशा अपना मुल्क, अपनी कौम याद आई। हम पहले ऐसा चंदा देंगे जो कभी किसी ने किसी को नहीं दिया। अरे आप तो बड़ी दयालु हैं। दयालु? और हम दया गई आलू लेने, तो हमें खटखटाने के चक्कर में हमारे लल्लन की नींद उड़ गई। बाबा, ये है हमारे तरफ से तो हार का।
हमेशा के लिए खामोश हुआ चाहता हूं। मेरी हड्डियों को इस गम ने पिघला दिया कि तुम ख्वाबे ग़रां से बेदार होने का नाम नहीं ले। मैंने बरसों तुम्हें जगाने की जिद्दोजहद की, आज जब जामा मस्जिद के मीनार और स्ट्रेची हॉल की मेहराबें देखता हूं तो ऐसा लगता है मेरे ख्वाबों को एक पैकर मिल गया है। कभी तुमने सोचा है कि कोई मुसलमान लड़का अपने हिंदू रूम पार्टनर की तीमारदारी करने के लिए अपना सालाना इम्तिहान छोड़ दे? यहां बिला मजहब जुबान और इलाके की तफरीक के वही तालिबे इल्म का दाखला होगा या वही शख्स मुलाजिमत पाएगा जो उसका अहल होगा। हमने जो ये पौधा लगाया है ये एक दिन तनावर तरह बनेगा। इसकी जड़ें मजबूती से जमीन पकड़ लेंगी और फिर इसकी शाखें उठेंगी, इसकी शाखें उठेंगी और फैलेगी और फैलेगी, उससे और दरख्त पैदा होंगे और दरख्त पैदा होंगे और दरख्त पैदा होंगे और दरख्त पैदा होंगे। सलाम है मेरा बच्चा, इतने है मेरे बच्चे, मैं तो अपने बेटे और बेटी के सदमे को झेल रहा हूं। ना तो इतने सारे मेरे बच्चे आए अब आए हैं तो ये शमा हमने जो जलाई है इसकी हिफाजत तुम्हारे हवाले। मोहम्मद रसूल तालियों से और पॉजिटिव कमेंट से उनको उनकी हौसला अफजाई की। शख्सियत के नाम वो सारी पॉजिटिविटी आइंदा भी बनाए रखें। बहुत शुक्रिया। अब मैं बहुत ही फख्र के साथ अपनी इस होनहार टीम को आपके सामने पेश करती हूँ, उसका तारुफ कराती हूँ। आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि चंद लम्हे और हमें दें और प्लीज बी पेशेंट, थोड़ा यहाँ पे बैठे और उनके लिए तालियां बजाएं। ये बहुत मेहनत से प्ले बनता है, बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए इस स्टेज पे आके परफॉर्म करने के लिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि आपके छोटे भाई बहन जो यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं उसमें से 90% वो हैं जो पहली बार कैनेडी के स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी तालियों की, आपकी पॉजिटिव कमेंट्स की, आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत बहुत बेशकीमती है। सेट डिजाइन सरफराज आलम, सेट मैनेजर जुलाल अहमद, सेट कंस्ट्रक्शन करीब भाई और तारिक भाई कैनेडी के स्टाफ मेंबर्स हैं, इनको आप लोग जानते हैं। और इसकी टीम है आलिया, सादिया, तूबा, जोहेब निजाम। Seven hours later. इस प्ले के डायरेक्टर और इस प्ले के डिजाइन को देखने वाले बहुत ही टैलेंटेड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ग्रेजुएट मुजम्मिल हयात भवानी, प्रोग्राम डायरेक्टर एट सीसी।
के लिए और श्री जी की बखूबी सदावत के लिए। बहुत शुक्रिया हाजरीन, आप सबकी इन तालियों का, इस हौसला अफजाई का, आइंदा भी इसको बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया। हाँ, प्ले बहुत ज़बरदस्त था, आप लोगों ने देखा ही होगा पूरा, मतलब एक लाइव हिस्ट्री से दिखा दी शॉर्ट में करके, क्योंकि अगर लॉन्ग में एक एक चीज़ दिखाएं तो महीना भर तो कहीं नहीं गया सरसैद अहमद खान की। अगर लाइव दिखाएं तो कुछ कुछ जो हिस्से दिखा सकते थे इंपॉर्टेंट चीज़ें वो इन लोगों ने दिखाई, जो मैं आपके सामने प्रेजेंट किया था। और जो एक्टिंग करी है सरसैद अहमद खान साहब की, जो एक्टिंग की है शेरानी साहब ने, सीसी के पूरा मतलब सीसी चलाते हैं उन्होंने, तो बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग थी। और सभी की, जितने उसमें कैरेक्टर्स थे सबकी एक्टिंग ज़बरदस्त, सिंगर्स बहुत ज़बरदस्त, मतलब मैं सोच रहा हूँ स्टेज प्लेस जो होते हैं इतने ज़बरदस्त कैसे हो सकते हैं, मैंने लाइफ में पहली बार देखा वो भी इनका, बहुत अल्टीमेट था, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी, आवाज़ टाइमिंग एक एक चीज़ बहुत जबरदस्त, ऐसा लग रहा था जैसे कि एकदम कमाल के एक्टर्स हो, मंझे हुए हो, एक एक चीज उनको बताने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन ये सारे ना वो थे नए एक्टर्स, बहुत कम इसमें से ऐसे थे जिन्होंने पहले काम कर रखा है, लेकिन काफी इसमें ज्यादा 80-85% ऐसे थे जिन्होंने पहली बार किया और पहली बार इतना सटीक। देखो, एक तो डायलॉग याद रखना की लंबी लंबी लाइन्स, उसके ऊपर लंबी लाइन्स के साथ एक्टिंग करना, वो है कमाल की चीज, बहुत जबरदस्त। फैन हो गया भाई साहब मैं इन सबका, किसी दिन मौका मिला तो सबसे मिलवाऊंगा मैं आपको। तो ये था गाइज आज का व्लॉग, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आप लोग वीडियो को लाइक करते चलो और कमेंट में मुझे बताओ आप लोगों को कैसा लगा। तो गाइज इंस्टाग्राम पे कुछ मैंने फोटोज कल अपलोड किए थे, आज रील अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग जाके चेक करो और मेरी वीडियो करना लाइक और मेरे चैनल कर दो सब्सक्राइब। आप लोगों से मिलता हूँ मैं कल के व्लॉग में, तब तक रखो अपना ख्याल, टेक केयर एवरीवन, बाय गाइज।